हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। सो हम आज करेंगे एक और प्रोग्राम फ्रॉम दिस मैंने आपको दिए हैं फॉर पाइथन, फॉर स्पेसिफिकली क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। अगर आप पाइथन सीख रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बीसीए, बीटेक, बीएससी, एनीथिंग, आप ये प्रोग्राम जरूर कर सकते हैं। बट ये स्पेसिफिकली 12th क्लास के लिए है क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम आज करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल का क्वेश्चन जो है वो पक्का आता ही आता है, फॉर श्योर आता है। ठीक है, एंड मिनिमम 3 मार्क्स का आपको प्रोग्राम उसके ऊपर आएगा और मैक्सिमम 5 नंबर का भी आ सकता है। सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन ईदर फॉर 3 मार्क्स और फॉर 5 मार्क्स। दो तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं सीएसवी फाइल पे। एक होता है जिसके अंदर आपको कोड लिख के दिया होता है और बीच में ब्लैंक्स होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं, जिसे हम केस स्टडी क्वेश्चन कहते हैं। दैट आई एम कवरिंग इन अ डिफरेंट सीरीज। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है, जिसमें आपको प्रोग्राम लिखना होगा। ठीक है, सो यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम। सो अभी मैं आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ सीएसवी फाइल्स। और वो प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। सो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो सीएसवी वाले सेक्शन के अंदर, इसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, दिस इज अ पीवाईक्यू। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, दे हैव कम इन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो यहाँ पर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएसवी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का हो सकता है पहला थियोरी वाला, और दो दो नंबर के दोनों फंक्शंस भी हो सकते हैं, राइट। तो डिफरेंस बिटवीन सीएसवी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल क्या होता है, होती तो दोनों ही टेक्स्ट फाइल्स है, बट सीएसवी क्या होती है, इट्स अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। सो डेलिमिटेड फाइल होती है जिसमें आपकी वैल्यूज के बीच में कोई डेलिमिटर होता है, जनरली वी हैव कॉमा एंड द वैल्यूज आर सेपरेटेड विद दैट। देन टेक्स्ट फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज इन द रॉ फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आपका डेटा राइट हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपका डेटा रीड हो सकता है, बट स्ट्रिंग राइट होता है, स्ट्रिंग ही रीड होता है। सीएसवी फाइल्स पे काम करने के लिए सीएसवी मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, सीएसवी राइटर और रीडर की हेल्प से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वेर एज इन केस ऑफ टेक्स फाइल यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा मॉड्यूल, आपके पास डायरेक्ट राइट और रीड फंक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से आप रीड और राइट कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो बेसिक डिफरेंस होंगे जिनको आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। फाइल ओपन एंड क्लोज सेम तरीके से होती है। अब आती है बात इस प्रोग्राम को लिखने की। यहाँ पे क्या कहा है कि एक फंक्शन बनाना है इंसर्ट, जिसमें एक्सेप्ट करनी है डिटेल्स ऑफ क्लॉक फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन अ सीएसवी फाइल वॉच डॉट सीएसवी। ईच रिकॉर्ड ऑफ क्लॉक कंटेन्स द फॉलोइंग फील्ड्स, क्लॉक आईडी होना चाहिए, क्लॉक का नाम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइस। फंक्शन टेक्स डिटेल्स ऑफ ऑल क्लॉक्स एंड स्टोर्स देम इन फाइल इन वन गो। जब भी आप ये सीएसवी फाइल के क्वेश्चंस पढ़ोगे, आपको ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। इसमें लिखा है कि टेक्स डेटा ऑफ ऑल द क्लॉक्स एंड राइट देम इन वन गो। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं कहीं पे, तो वो क्या लिखा है, फंक्शन सेव्स वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन रिकॉर्ड एट अ टाइम एंड इन वन गो। तो जो ये वन गो वाली चीज है, वन गो वाली चीज का मतलब है कि आपको नेस्टेड लिस्ट बनानी होगी, आपको एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर पहले सारे क्लॉक स्टोर करने होंगे और फिर उसको हम राइट रोज फंक्शन की हेल्प से फाइल में राइट कर देंगे। तो सीएसवी के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है राइट रो, एक होता है राइट रोज, राइट। सो सिर्फ एस लगा है, नॉर्मल है, जैसे होता है हमारे पास डॉग, डॉग्स, डॉग मतलब एक डॉग, डॉग्स मतलब मल्टीपल डॉग्स। सिमिलर वे यहाँ पे राइट रो का मतलब है एक टाइम पे एक रिकॉर्ड को राइट करना है, राइट रोज का मतलब है कि एक टाइम पर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को राइट करना है। ठीक है, सो इफ यू हैव टू राइट मोर देन वन रिकॉर्ड्स, वी आर गोना यूज राइट रोज फॉर दैट। कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आपको इसमें दूसरा फंक्शन बनाने के लिए बोला है डिलीट, इसमें टू एक्सेप्ट अ क्लॉक आईडी एंड रिमूव द रिकॉर्ड विद गिवन क्लॉक आईडी फ्रॉम द वॉच डॉट सीएसवी। इफ क्लॉक आईडी नॉट फाउंड देन इट शुड शो अ रेलेवेंट मैसेज बिफोर रिमूविंग द रिकॉर्ड, इट शुड प्रिंट द रिकॉर्ड गेटिंग रिमूव्ड। आपको एक आईडी पूछना है और उस क्लॉक को आपको रिमूव करना है, और बाय चांस अगर वो क्लॉक हमारे पास फाइल में नहीं है तो हमें एक मैसेज शो करना है कि वी डोंट हैव एनी क्लॉक विद द गिवन आईडी। गॉट इट? सो ये बनाना है। ठीक है, अब ये बहुत लंबा कोड है, सो 2 2 मार्क्स का आपको ये एक एक फंक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किया है सीएसवी एंड इम्पोर्ट किया है ओएस। ओएस अभी दिखाऊंगे आपको क्यों इम्पोर्ट किया है। सो पहले हम इंसर्ट वाले फंक्शन को देखते हैं अच्छे से। सो यहाँ पे बनाया है डेफ इंसर्ट, रिसीव कुछ करना नहीं था, हमने यहाँ पे क्लॉक की इन्फॉर्मेशन पूछनी है और मल्टीपल क्लॉक्स हैं, इसलिए मैंने यूजर से ही पूछ लिया बताओ हाउ मेनी क्लॉक्स आर देयर। आप खुद से भी कुछ नंबर ले सकते थे। सो अब आस्क्ड लाइक एन इज इक्वल टू इंट इनपुट हाउ मेनी क्लॉक्स आर देयर, एन आ गया मेरे पास, मैंने एक लिस्ट ले ली क्लॉक्स के लिए। सो दिस इज माई आउटर लिस्ट, क्लॉक्स इज इक्वल टू
खाली स्क्वायर ब्रैकेट। अब लूप चलेगा एन टाइम्स, अगर यूजर ने बोला है 2 क्लॉक्स हैं तो 2 बार लूप चलेगा, अगर 10 बोला है तो 10 बार लूप चलेगा। हर बार क्या करेगा वो, क्लॉक का आईडी पूछेगा, ठीक है, फिर क्लॉक का नाम पूछेगा, उसका ईयर पूछेगा और प्राइस पूछेगा। सो ये 4 चीजें हम पूछ रहे हैं, उसको हमने एक लिस्ट में डाल दिया और लिस्ट में डालने के बाद उसको जो बड़ी लिस्ट है क्लॉक्स वाली उसके अंदर अपेंड कर दिया। तो ये क्या बन गई, लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो अगर 3 क्लॉक्स हैं तो वो 3 लिस्ट इस क्लॉक्स वाली लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे, सो दैट इज नेस्टेड लिस्ट। जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम चाहते हैं कि हम फाइल को ओपन करें। हमने फाइल को ओपन किया, एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम प्रोग्राम में दिया हुआ था वॉच डॉट सी एस वी। अपेंड मोड में ओपन किया ताकि जो पिछली वॉचेस हैं उनका रिकॉर्ड भी फाइल में रहे और नए वाले भी आप ऐड कर सको। सो आई एम ओपनिंग इट फॉर राइटिंग पर्पस, एफ इज इक्वल टू ओपन वॉच डॉट सी एस वी कॉमा ए। सो अपेंड मोड में ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। सी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी एस वी डॉट राइटर, ये तो बनाना ही होता है, ये तो फिक्स लाइन है जो लिखनी होती है। फाइल ओपन करेंगे, राइटर बनाएंगे, बस राइट रो की जगह फंक्शन जो यूज होगा वो राइट रोज होगा। सो सी डब्ल्यू डॉट राइट रोज और ब्रैकेट में अपनी नेस्टेड लिस्ट का नाम दे देंगे विच इज क्लॉक्स, एंड देन फाइल क्लोज करते हैं। सो यहाँ पे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपने फाइल क्लोज करी है या नहीं, राइट कैसे किया है, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आप मल्टीपल को कैसे राइट करते हो, राइट रोज की हेल्प से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नेस्टेड लिस्ट होगी तभी तो राइट रोज यूज करोगे, तो आपको नेस्टेड लिस्ट बनानी है। सो दिस इज द कोड फॉर इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। सो ये आपका इंसर्ट का कोड हो गया, ठीक है। देन है डिलीट। अब देखो डिलीशन का डायरेक्टली कोई तरीका नहीं होता, मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स में भी कराया हुआ है कि डिलीशन और अपडेशन डायरेक्टली नहीं होती है। उसका एक ही तरीका है कि एक टेम्परेरी फाइल का इस्तेमाल किया जाए। सो डिलीशन का लॉजिक ये है कि जिस रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हो उसको छोड़ के बाकी सबको दूसरी फाइल में कॉपी कर दो और फिर उसका नाम बदल दो। हमने यहाँ पे भी वही किया है, हमने पूछा एंटर द क्लॉक आईडी टू बी डिलीटेड, तो आपने क्या किया यहाँ पर, फाइल को ओपन करना है रीड मोड में और एक दूसरी फाइल टेम्परेरी फाइल हम ले रहे हैं जिसको हमने राइट मोड में ओपन किया, जो कि मुझे खाली फाइल चाहिए। सो मैंने एक खाली फाइल ले ली राइट मोड में, उसका राइटर भी क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया फाउंड जिसमें इनिशियली मान लिया कि रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला। अब मैंने फाइल को ओपन किया, रीडर बनाया, लूप लगाया, लूप के अंदर चेक किया कि क्या डेटा 0 इज इक्वल टू सी आई डी, अगर इक्वल है मतलब दिस इज द रिकॉर्ड विच आई हैव टू डिलीट। इसको डिलीट करना है तो मैंने फाउंड में ट्रू डाल दिया और प्रिंट करा दिया कि ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर मैच नहीं करता है तो उसको मैंने दूसरी फाइल के अंदर राइट करा दिया। अब इससे होगा क्या कि जो मैच करता है वो तो प्रिंट हो जाएगा कि ये डिलीट हो रहा है, लेकिन हम उसको दूसरी फाइल के अंदर कॉपी नहीं करा रहे हैं, हम कॉपी सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को करा रहे हैं जो बचेंगे डिलीशन के बाद। सो जो डिलीट नहीं करने हैं, ठीक है, द वंस विच आर नॉट टू बी डिलीटेड, वो आपके कॉपी हो रहे हैं दूसरी फाइल के अंदर। तो जब ये लूप खत्म होगा, मेरी ओरिजिनल फाइल तो जो है सो है, जो टेम्परेरी फाइल है उसमें वो रिकॉर्ड्स होंगे जो बचने चाहिए आफ्टर द डिलीशन। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि फाउंड अगर अभी भी फॉल्स है तो भाई कोई क्लॉक मिली ही नहीं, लेकिन अगर ट्रू हो गया है तो क्या करो, जो ओरिजिनल वॉच डॉट सी एस वी थी उसको रिमूव कर दो। सो जो ओरिजिनल फाइल थी उसको रिमूव कर दिया और ये जो टेम्प है जिसमें अब फाइनल रिजल्ट है उसका नाम बदलकर वॉच डॉट सी एस वी कर देंगे। अगर आपको इस डिलीशन के लॉजिक में जरा सा भी डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, लग रहा है मैम ये क्या करा रहे हो आप फास्ट फास्ट, तो बेटा पूरी डिटेल्ड वीडियोस प्लेलिस्ट में है। सो YouTube पे आपके पास डिटेल्ड प्लेलिस्ट है जिसमें एक एक ऑपरेशन फाइल्स के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो प्लीज वॉच दैट एज वेल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा आई एम हैविंग अ लाइव कोर्स रनिंग ऑन द ऐप, आपके ऊपर आपकी हर मंडे हर फ्राइडे को लाइव क्लास होती है जिसमें अब हम कोर्स एक बार कर चुके हैं, वी विल बी स्टार्टिंग रिविजन नेक्स्ट वीक। सो हम रिविजन शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको टॉपिक्स रिवाइज भी कराऊंगी, जिसके PYQs करेंगे एंड नंबर ऑफ अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो चेक आउट दैट कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे तो आपको प्रोग्राम्स मिलते ही रहेंगे। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी एक एक टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन है आपको, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। और अब आप ये चाह रहे होंगे कि मैम कोड मिल जाए, ये कोड आप चाहते हो तो जरूर मिल जाएगा आपको। ये कोड पहले मैं आपको एक बार रन करके दिखा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कोड कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सो मैंने इसको रन किया, अब देखो यहाँ पर हाउ मेनी क्लॉक्स आर देयर टू बी एडेड। मैंने इसको एक बार पहले रन किया था तो आप देख रहे हो 4 क्लॉक्स इसके अंदर ऑलरेडी है। सो इफ आई वॉन्ट टू एड 1 more clock, मैंने क्लॉक का आई डी इनपुट कर दिया 10 एंड क्लॉक का नाम इनपुट कर दिया डी, ईयर है 2020, प्राइस है 10,000, लेट्स से। सो आप देख रहे हो ये 5 हमारे पास आ गए,
एक दो तीन चार पांच। अब वो पूछ रहा है डिलीट किसको करना है, लेट्स आई वांट टू डिलीट 13, तो मैंने 13 एंटर किया, तो अब 13 इसके अंदर नहीं है, 13 इज गॉन, इट्स डिलीटेड। ठीक है, जबकि यहाँ वाले एग्जाम्पल में देखो मैंने 20 एंटर किया था, तो 20 इसमें था ही नहीं, जब होगा ही नहीं तो वो कहेगा नो क्लॉक फाउंड विद द गिवन आईडी। फाइन, सो अभी आपको कहाँ से मिलेगा कोड? ये कोड आपको मिलेगा ऐप के अंदर, एक फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे ये अपलोड करती जा रही हूँ यूट्यूब पे, इसके जो कोड है वो मैं यहाँ पर पेस्ट करते जा रही हूँ साथ साथ, और ये फाइल को मैं अपडेट करते रहूंगी एवरी वीकेंड। ठीक है, सो एवरी वीकेंड द पीडीएफ विल बी अपडेटेड इन द स्टडी मटेरियल सेक्शन, जब तक पूरा नहीं हो जाता तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप समझ आया होगा कि ये कोड कैसे लिखना है, और सीएसवी पे एक प्रोग्राम तो पक्का आएगा ही आएगा। ऑल द बेस्ट। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एनीहाउ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।